दोस्तों कहते हैं ना कि जो भेड़ चाल से हटकर कुछ नया सोचता है वो ही इतिहास रचता है। आज हम चार्ल्स डार्विन को भी शायद इसीलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने भेड़ चाल से हटकर कुछ नया सोचा। यूं तो चार्ल्स डार्विन के माता पिता उन्हें एक डॉक्टर बनाना चाहते थे, पर चार्ल्स के दिमाग में तो शायद कुछ और ही चल रहा था। वो बचपन से ही जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के प्रति आकर्षित रहा करते थे और देखते ही देखते उनका ये शौक जुनून में बदल गया। और जब चार्ल्स डार्विन 22 साल के हुए तो 22 साल के उस लड़के ने पूरी दुनिया घूमने की ठान ली। साल था 1831। बीगल नाम के एक जहाज से चार्ल्स डार्विन को पूरी दुनिया में जाने का और उसे देखने का मौका मिला। अपने लंबे सफर में रास्ते में जहां जहां वो जहाज रुकता, चार्ल्स वहां के जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, पत्थर, चट्टान, कीट पतंगों आदि को जांचने और परखने में लग जाते और उनके नमूने जमा करते। उन वस्तुओं के गहन ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस के कारण चार्ल्स इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि सभी स्पीसीज मूल रूप से एक ही जाति से उत्पन्न हुई है। ये बात सुनने में जितनी आसान लगती है, उस समय कहने में और समझने में इससे भी ज्यादा कठिन थी। ये वो दौर था जब विज्ञान के ऊपर धर्म हावी हुआ करते थे। लोग पुरानी मान्यताओं को छोड़ने को तैयार नहीं थे, उसके लिए मारने और मरने पर तुलाते थे। दुनिया ये मानती थी कि ईश्वर ने सभी जीवों को, सभी जीवन को, सभी स्पीसीज को इंडिविजुअली अलग अलग शुरुआत से ही बनाया है। और ऐसे में चार्ल्स डार्विन का ये कह देना कि सभी जीवन की उत्पत्ति एक ही चीज से हुई है, अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। डार्विन ने अपनी स्टडी के बाद जो कंक्लूजन निकाला, उसने एक थियरी को जन्म दिया जिसे आज डार्विन्स थियरी ऑफ इवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों डार्विन्स थियरी ऑफ इवोल्यूशन को आज के आधुनिक बायोलॉजी की नींव माना जाता है। तो चलिए अब इस थियरी को डिटेल में जानते हैं कि इवोल्यूशन के संदर्भ में क्या कहती है चार्ल्स डार्विन की ये थियरी। मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई, आप है हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर। और दोस्तों हमने इस चैनल पर अभी शुरू की है साइंस की सबसे बड़ी थियरीज की सीरीज। आपको आने वाले कुछ समय पर हमारे चैनल पर साइंस की सबसे महान थियरीज, उसकी हिस्ट्री, उसका उद्भव और उसकी सच्चाई के बारे में जानने को मिलेगा। तो बने रहे द नॉलेज के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजा दें। इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अमीबा से पेड़ पौधे, कीटक मकोड़े और जानवर आदि बने। अब सवाल यह है कि आखिर एक ही जीव अमीबा से विविध पेड़ पौधे और जानवर कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है, पर खैर अगर उस वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो में उसकी कुछ पंक्तियां आपको कुछ समय के लिए बता देते हैं। दिल थाम के बैठिए, आपको शुरुआती पृथ्वी की एक एक दास्तां आज देखने को मिलेगी। आज से 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी की ज्यादातर सतह, यानी कि आज से बहुत ज्यादा सतह, समुद्र से ढकी हुई थी। ये समुद्र का पानी भी ठंडा नहीं लेकिन वार्म हुआ करता था। दिन की धूप में वातावरण बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता था। ऊपर से पृथ्वी पर कहीं पर भी 1% भी ऑक्सीजन नहीं था। O2 नहीं था, इसलिए पृथ्वी के आसपास ओजोन का पर, यानी कि O3 की लेयर की भी अभी रचना नहीं हुई थी। और परिणाम स्वरूप सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें सीधी पृथ्वी की सतह पर गिरती थी और इस हालात में पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होना तो भूल ही जाओ। पृथ्वी पूरी खंडहर जैसी थी। पृथ्वी के वातावरण की बात करें तो उसके पड़ों में ऑक्सीजन नहीं लेकिन मीथेन यानी कि CH4, एमोनिया यानी कि NH3, हाइड्रोजन यानी कि H2 और पानी की कुछ बाफ यानी कि H2O, पृथ्वी का पूरा वातावरण इन सब से बना हुआ था। ऐसे एटमॉस्फेयर में पृथ्वी की सतह पर और सतह के ऊपर भी जीवन की शुरुआत नहीं हो सकती थी। लेकिन एक जगह थी जहाँ पर शायद जीवन के अंकुर बहुत ही कम पॉसिबिलिटी में ही सही लेकिन फूट सकते थे, और वो जगह थी समुद्र की भीतरी दुनिया। हालांकि वहां पर भी जीवन की पॉसिबिलिटीज तो बहुत ही कम, यानी कि 0.00000001% थी। अब आप ही सोचिए कि ऐसे वातावरण में अचानक कुछ केमिकल, कुछ रसायन एक दूसरे के साथ मिल जाए, एक कॉम्बिनेशन बनाए और जीवन पैदा हो, ऐसा होने में दोस्तों आपको कितने परसेंट चांस लगते हैं? ऐसा तो आमतौर पर हो ही नहीं सकता था ना, लेकिन ऐसा हुआ। हाँ, होने में बहुत वक्त लगा लेकिन हुआ। आज से करीब 3.5 अरब साल पहले समुद्र की अंदरूनी दुनिया में कार्बन के दो,
हाइड्रोजन के 5 और नाइट्रोजन का एक पार्टिकल एक स्पेसिफिक पैटर्न में इकट्ठा हुए और ग्लाइसिन कहे जाने वाले एक एमिनो एसिड की रचना हुई। यहाँ पर दोस्तों एक बात जान लो कि ये एमिनो एसिड दरअसल किसी सेल का निर्माण करने वाला प्रोटीन है और ऐसे कुछ 22 एमिनो एसिड जैसे कि ग्लाइसिनिन, एलानाइन, लाइसिन, वेलाइन, ल्यूसिन, ऐसे सभी एमिनो एसिड संयुक्त रूप से मिलकर एक प्रोटीन की रचना करते हैं और लाखों स्ट्रक्चर्स, लाखों संयोजन में से बस एक ही ये काम का था जो पृथ्वी पर जीवन को आगे बढ़ाने वाला था। कुछ करोड़ों साल और आगे बढ़ते हैं और ये प्रोटीन इतने सालों में धीरे धीरे इवॉल्व होने लगता है और प्रोटीन बना लेता है एक छोटा सा सेल और ये सेल आगे चल के धीरे धीरे दिल, मूत्रपिंड, फेफड़े और हाथ पाव बनाने वाला था। अब आदिकाल में समुद्र में एक और सुखद अकस्मात होता है। हवा की लहरें और पानी के गर्म और ठंडे प्रवाह समुद्र की अंदरूनी दुनिया में चहल पहल मचाते रहते हैं और समुद्र के भीतर ग्लूकोज और एडिनाइन और इन दोनों के ही साथ और दो डिजिट के यानी कि ऐसे चार पार्टिकल एक दूसरे के साथ टकराते हैं और ये चारों मिलकर एक जोड़ी बनाते हैं, एक रचना करते हैं और ये रचना एक बुनी हुई चैन की तरह एक सीढ़ी समान होती है जिसे हम DNA कहते हैं। और अब इस कोर्स को DNA भी मिल गया और उसके बाद RNA की भी रचना हुई। DNA यानी कि दोस्तों एक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर आ गया। अब ये सॉफ्टवेयर याद रखेगा कि आगे होने वाली रचनाओं में उसे हूबहू अपने पुराने कोर्स की डिट्टो कॉपी बनानी है। अब तो पक्के तौर पर ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर एक कोशीय जीव अवतरित हो चुका है और आखिरकार करोड़ों सालों बाद पृथ्वी पर वो शुभ घड़ी आ ही गई जब पृथ्वी के आंगन में जीवन का झूला झूलने लगा। लेकिन ये जीव अभी एक कोशीय अमीबा का है जो हिलजुल नहीं सकता, इसलिए उसे पूर्ण रूप से सजीव नहीं कह सकते। ये अभी एक ग्रे कैटेगरी में है। लेकिन बाद के लाखों सालों में जीवन के रूप में समुद्र में सभी जगह पर समुद्री शैवाल फैलती रही। धरती पर करोड़ों साल तक इन शैवाल का अस्तित्व रहता है। जो शैवाल समुद्र में ज्यादा होती थी, पृथ्वी पर समुद्र में चारों ओर फैली हुई ये शैवाल सूर्य की ऊर्जा को काम पे लगा देती है और समुद्री पानी को विघटित करके हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग अलग कर देती है और पृथ्वी के वातावरण में पहली बार टन के हिसाब से ऑक्सीजन वायु ऐड होता है। इस तरह और करोड़ों साल बीत जाते हैं और बहुत ही धीमी प्रोसेस से इवोल्यूशन होते होते समुद्र में ही कुछ आकार वाले, स्पाइनल कॉर्ड वाले और बहुकोशीय जीवों की रचना होती है। ये सब कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की नई प्रजातियां थी जो कि एक कोशीय सूक्ष्म जीव से विकसित हुए थे। अब इस जीव से मिलिए, ये है पिकाया। ये छोटे जीव शुरुआत में केवल 5 सेंटीमीटर लंबे थे लेकिन इन पिकायाज ने अपने शरीर में एक बहुत ही खास चीज को विकसित कर लिया था जो आगे चलकर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग बनने वाला था। जी हाँ दोस्तों, ये पहले जीव थे जिनके पास रीढ़ की हड्डी थी और इन्हीं से विकसित होकर ये खासियत हमें भी मिलने वाली थी। आज से करीब 50 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुए करोड़ों साल बीत चुके हैं। सभी समुद्री जीवों ने अपने आप को और ज्यादा विकसित कर दिया है। पृथ्वी अब कुछ जानी पहचानी लग रही है और इस वक्त तक पृथ्वी का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट पेंजिया अब और भी कई सारे भागों में बिखर गया है, किंतु अब भी यहाँ पर जमीन पर रहने वाले जीव नहीं आए थे और धरती की सतह पर पेड़ पौधे भी नहीं दिख रहे थे और ऐसा सूरज से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से था। और धीरे धीरे उसी वक्त धरती के वायुमंडल में एक नई परत का निर्माण हो रहा था जिसे आज हम कहते हैं ओजोन लेयर। वायुमंडल का ऑक्सीजन सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख कर ओजोन लेयर में बदल रहा था और धीरे धीरे ऐसे सानुकूलित वातावरण में समुद्री जीव समुद्र को छोड़कर समुद्र तल पर आने लगते हैं और बहुत सालों बाद ये समुद्र तल से बचते बचाते कुछ करके जमीन पर भी आ जाते हैं। इससे मिलिए, यह है समुद्र में रहने वाली हमारी पूर्वज मछली जिसे कहते हैं टिक्टैलिक। इसने पहली बार समुद्र से बाहर जमीन पर आने का निर्णय लिया और इसने अपने फिन्स का इस्तेमाल पैरों के रूप में किया। समुद्र से सबसे पहले बाहर आने वाले ये जीव वही वो जीव थे जो आगे चलकर डायनासोर्स, बर्ड्स, मैमल्स और अंत में इंसानों के तौर पर विकसित होने वाले थे और इस तरह से इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। अब दोस्तों, डार्विन की इवोल्यूशन थियरी कहती है कि आज से करीब 600 लाख साल पहले पानी के वर्म से मैमल्स बने
यानी कि स्तनधारी जीव उत्पन्न हुए। अगेन ये सब बहुत ही धीमी गति से हुआ और ऐसा होने में करोड़ों साल बीत गए। इन मैमल्स में से पक्षियां, मछलियां, रेपिटाइल्स, मेढक, मच्छर, सील, डायनासोर ऐसे सब जीव पैदा हुए जो पानी और धरती दोनों पर रह सकते थे। चार्ल्स डार्विन की इस इवोल्यूशन थियरी के अनुसार 70 मिलियन साल पहले सबसे पहले प्राइमेट्स बने। प्राइमेट्स पहले बड़े चूहे जैसे हुआ करते थे और करीब 40 लाख साल पहले इन प्राइमेट्स में से बंदर बने। 20 मिलियन साल पहले इन बंदरों में से कुछ बंदर की प्रजातियां एप्स बनी और 8 मिलियन साल पहले एप्स में से गोरिल्ला बने। करीब 5 लाख साल पहले चिंपांजीज बने और तकरीबन 4 लाख साल पहले चिंपांजी की ही एक उनसे मिलती जुलती प्रजाति ने धीरे धीरे दो पैरों पर खड़े होना शुरू कर दिया और वो हाथ उठाकर चलने लगे। चार्ल्स डार्विन की इस इवोल्यूशन थियरी के हिसाब से करीब 15 से 3 लाख साल के बीच होमो इरेक्टर्स नाम की प्रजाति बनी। होमो इरेक्टर्स मतलब ह्यूमन बीइंग, जिनकी पीठ सीधी थी और जो खड़े होकर चल सकते थे, और जिसके बाद करीब 4 से 2.5 लाख साल के बीच होमो सेपियंस बने। होमो सेपियंस मतलब होमो इरेक्टर्स का एडवांस वर्जन, जिसे हम इंसान मान सकते हैं, जिनका उद्भव अफ्रीका के जंगलों से शुरू हुआ और धीरे धीरे वो पूरी दुनिया में फैल गए। चार्ल्स डार्विन की माने तो यह आधुनिक मानव आज से करीब 40 से 35 हजार साल पूर्व यूरोप में, 30 हजार साल पूर्व अमेरिका में और 25 हजार साल पूर्व ऑस्ट्रेलिया में जाकर बसे। डार्विन के अनुसार एक छोटा सा चूहा जो इंसान बना वो हालात के हिसाब से खुद को भिन्न भिन्न रूपों में ढालता चला गया और अंत में इंसान बना। अब दोस्तों, आप में से किसी का ये सवाल होगा कि हम अगर सभी अफ्रीका के जंगलों में पैदा हुए हैं तो यूरोपियन इतने वाइट क्यों है, अमेरिकन कुछ रेडिश क्यों है, इंडियन की स्किन कलर भी अलग क्यों है। तो दोस्तों, इस पर कुछ थियरीज का कहना है कि हम सौर ऊर्जा यानी कि सौर प्रकाश के कारण जो उसकी रेज हमारी स्किन पर गिरती है और लंबे समय तक गिरती है, उससे हमारी चमड़ी का रंग बदलता है। अगर कोई सांवली प्रजाति बहुत ही ठंडे प्रदेश में जाकर बसती है तो करीब 1000 साल बाद उन प्रजाति की आने वाली पीढ़ियों का कलर लाइट हो जाएगा। ये चमड़ी धीरे धीरे रंग बदलती है। और अगर वही कोई ठंडे प्रदेश में रहने वाली प्रजाति लंबे समय तक, हजारों सालों तक विषुववृत्तीय प्रदेशों में रहती है तो वो सांवली होती चली जाएगी। कोई भी जीव परिस्थिति, वातावरण और अपने आसपास की परिस्थिति के अनुसार खुद को धीरे धीरे उसमें ढाल देता है। और यहीं से चार्ल्स डार्विन ने एक और थियरी दी जिसे कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जिनमें दो भिन्न स्पीशीज के मेल से एक नई प्रजाति का जन्म होता है। जिस प्रकार लाइगर को मेल लायन और फीमेल टाइगर का हाइब्रिड माना जाता है, ठीक उसी प्रकार डार्विन भी उस आधुनिक चूहे का किसी अन्य जीव के साथ हुए फर्टिलाइजर को आज के आधुनिक मानव का कारण मानते हैं। डार्विन की माने तो इसी प्रक्रिया की तरह अन्य जीवों में भी परिवर्तनशील विकास हुए और कुछ नए अलग जीवों का निर्माण हुआ, जैसे मछली से मेंढक बने। इस थियरी के अंतर्गत सांप, छिपकली, क्रोकोडाइल और ड्रैगन की उत्पत्ति भी मेंढक से ही हुई थी और इसी प्रक्रिया के अनुसार डायनासोर्स का भी जन्म हुआ। चार्ल्स डार्विन की माने तो आज के कुछ पक्षियों की उत्पत्ति भी डायनासोर से ही हुई थी। खैर, चार्ल्स डार्विन की इस इवोल्यूशन थियरी की बहुत आलोचना भी हुई है। डार्विन के आलोचक कहते हैं कि जीवन के हालात या प्रकृति के परिवर्तन से हमारी स्किन में चेंजेस हो सकते हैं, जैसे भिन्न भिन्न वातावरण के अनुसार कोई चाइनीज है, कोई अफ्रीकन है, कोई यूरोपियन है या कोई एशियन या इंडियन है। लेकिन क्या वातावरण का परिवर्तन किसी को एक अलग प्राणी बना सकता है? चार्ल्स डार्विन की इस इवोल्यूशन थियरी के आलोचकों की माने तो यदि मनुष्य जल में रहने लगे तो क्या कुछ साल बाद मनुष्य मछली बन जाएंगे? आखिर क्या सोचकर चार्ल्स डार्विन ने यह सिद्धांत हमारे समक्ष रखा? क्योंकि अगर चार्ल्स डार्विन की ये इवोल्यूशन थियरी सही है तो बंदर आज भी बंदर क्यों है? अगर चिंपांजी से मनुष्य बना तो आखिर चिंपांजी आज भी चिंपांजी क्यों है? अगर चार्ल्स डार्विन की इसी थियरी के अनुसार जीवन बना है और परिवर्तन हो रहा है तो फिर पिछले कई हजारों वर्ष से मनुष्य में बदलाव क्यों नहीं हुए? गोरिल्ला अभी तक गोरिल्ला क्यों है और मछली अभी तक मछली क्यों है? आलोचक ये कहते हैं कि अगर ये परिवर्तन सही है तो फिर आधुनिक मानवों को तो और बदल जाना चाहिए था। आज की डेट में इस पृथ्वी पर 87 लाख स्पीसीज है, यानी कि 87 लाख योनिया है, और इनमें से कई लाख टाइप के तो कीड़े मकोड़े और जीव जंतु है।
कम से कम 3,00,000 तरीके के टीट है, 3,800 तरह के मेढक है और कम से कम 20,000 टाइप की तो मछलियां है। इन सब में से केवल इंसान ही इतना डेवलप क्यों है? अगर चूहे से ही इंसान का इवोल्यूशन हुआ है तो आज चूहा चूहा क्यों है? अब चार्ल्स डार्विन इन सभी सवालों पर क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। चार्ल्स डार्विन के अनुसार जीवन के संघर्ष में हमेशा योग्यता की ही जीत होती है और अयोग्य हमेशा हारता है, यानी कि जो बलवान है वो जीतेगा और जो निर्बल है वो मिस आउट हो जाएगा, एलिमिनेट। प्रकृति स्वयं अपने लिए रहने लायक वातावरण का चयन करती है। डार्विन ने इसे प्राकृतिक चयन कहा था, जिसमें उसकी इवोल्यूशन थियरी का मुख्य सार छुपा हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है प्रकृति का चयन, यानी कि प्रकृति का चुनाव। डार्विन की माने तो जीवन के संघर्ष में वातावरण के अनुकूलन जीवों का जीवित रहना और प्रतिकूल जीवों का नष्ट होना ही प्राकृतिक चयन या प्राकृतिक चुनाव है। इसी प्राकृतिक चयन को हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस का नाम दिया है, यानी कि जो जीव वातावरण प्रकृति के लिए फिट है वो ही आगे सर्वाइव करता रहेगा। चार्ल्स डार्विन ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकाला कि विकास के दौरान बड़े जानवर भोजन की कमी और अपने जीवन और वातावरणीय संघर्ष के कारण समाप्त हो गए, और छोटे आकार के प्राणी अपने प्राकृतिक आवास स्वभाव में परिवर्तन के कारण अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सके। अब सवाल ये उठता है कि क्या अभी भी ऐसा कोई जीव है जो अभी तक अस्तित्व में है, जिसके जीवित रहने का कारण उसके रहने का स्थान हो या जहां का वातावरण जीवन के अनुकूलित हो। हालांकि ऐसे भी कई शक्तिशाली जीव थे इस पृथ्वी पर जो लुप्त हो गए। डायनासोर्स, बड़े बड़े मैमथ्स जो विशालकाय हाथी थे, बड़े बड़े और समुद्री क्रीचर्स। हो सकता है कि इन प्राणियों का प्रकृति ने चयन नहीं किया और इस परिवर्तन को आज भी देखा जा सकता है, जहां आज भी कई पशु और पक्षी लुप्त हो रहे हैं। डार्विन की इस थियरी ऑफ इवोल्यूशन पर अभी भी वैज्ञानिकों के बीच मतभेद है, लेकिन ये बात भी है कि आज भी इस थियरी को इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली साइंटिफिक थियरीज में से एक माना जाता है। डार्विन की ये थियरी सचोट रूप से ये बताती है कि समय के साथ पृथ्वी पर जीवन कैसे बदलता है, और आज हम इस पृथ्वी की जो ये विविधता देखते हैं वह प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया के जरिए ही बनी है। प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया के मूल सिद्धांत के अनुसार वो सभी जीव जो अपने पर्यावरण या यूं कहे कि बदलते पर्यावरण के साथ बेहतर रूप से तालमेल बिठा पाते हैं, उनमें जीवित रहने और रिप्रोडक्शन की संभावना अधिक हो जाती है, और इसका परिणाम ये होता है कि उनकी अगली पीढ़ी उस पर्यावरणीय बदलाव के साथ लड़ने की अनुकूलन की क्षमताओं के साथ ही पैदा होती है, और धीरे धीरे ये क्षमता सामान्य तौर पर नए जीवों में देखने को मिलती है। जैसे कि कोई नया वायरस ह्यूमैनिटी को इफेक्ट कर सकता है, बहुत बड़ी तादाद में मौतें भी हो सकती है, लेकिन कुछ साल बाद वो वायरस उसी इंसानी शरीर में निर्बल हो जाता है। एक दो पीढ़ी के बाद तो उस वायरस की नई पीढ़ी के इंसानों के साथ इफेक्ट ही खत्म हो जाती है। इसलिए नई पीढ़ी के इंसानों को जो प्राकृतिक रूप से प्रोटेक्टेड हो गए हैं इस वायरस से, उन्हें अगर इन्फेक्ट करना है तो उस वायरस को भी खुद को बदलना होगा। अगर वायरस में म्यूटेशन होते हैं तो वो इफेक्ट कर पाएगा या फिर वायरस ही खत्म हो जाएगा। डार्विन की ये थियरी बताती है कि समय के साथ पृथ्वी पर जीवन कैसे बदलता है, और आज हम जो ये इस पृथ्वी की प्राकृतिक विविधता देख रहे हैं वह प्राकृतिक चुनाव यानी कि प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया के जरिए ही बनी है, यानी कि जो पूर्वज में नहीं था वह अब नए जीवों में विकसित हो गया। इससे एक बदलाव ये भी होता है कि समय के साथ फायदेमंद लक्षण जनसंख्या में अधिक सामान्य तौर पर दिखते हैं, जबकि कम लाभदायी लक्षण जीवों में कम दिखते हैं या धीरे धीरे पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं। मतलब कि जीवों के शरीर में ऐसी आदतें या ऐसे अंग जिनका कोई काम नहीं रह जाता है वह धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, और जिनकी जरूरत पड़ती है वह चीजें विकसित होने लगती है। उदाहरण के तौर पर पहले इंसान के शरीर में पूंछ हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो लुप्त हो चुकी है। अब हमें अपेंडिक्स की भी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वो भी आज कई इंसानों में लुप्त हो रहा है। हमारे आदि पूर्वजों के जैसे नुकीले दांत आज हमारे नहीं है। हमारे दांत धीरे धीरे मोती जैसे और कम नुकीले बन रहे हैं, क्योंकि
हम पकाकर खाने लगे हैं, हमने खुराक की पैटर्न बदली है। दोस्तों, डार्विन की इस थियरी को मानने के कई और कारण भी है, जैसे कि उसका यह सिद्धांत मेडिकल फील्ड में भी योगदान देता है, क्योंकि इसी से यह समझा जाता है कि कोई जीव कैसे अपने सर्वाइवल के लिए बदलाव करेगा और जिसके आधार पर ही वैक्सीन बनाई जाती है और एंटीबायोटिक्स के पीछे का सिस्टम समझा जाता है। इसी के जरिए ही कई जेनेटिक्स डिजीज का इलाज खोजना संभव हुआ है। यही नहीं, चार्ल्स डार्विन का यही सिद्धांत प्राकृतिक दुनिया की उत्पत्ति को भी समझाता है और प्रकृति तथा दुनिया के विभिन्न जीवित जीवों के बीच कैसे संबंध है ये भी दिखाता है, जिसके जरिए हम पृथ्वी पर जीवन की इतनी विविधता तथा प्रजातियों के विवरण के विशेषताओं और पैटर्न को समझ पाते हैं। इस थियरी के जरिए ही फसल के पैदावार, कीट नियंत्रण रणनीतियां और संरक्षण के प्रयास में सुधार हुए हैं। सबसे जरूरी बात, इस थियरी के जरिए यूनिवर्स के सभी जीवों के बीच के संबंध को समझने का मौका भी मिलता है। 18वीं सदी का वो बच्चा शायद यह नहीं जानता होगा कि उसकी प्रकृति के प्रति जो दिलचस्पी थी वो एक दिन उसे इतिहास में अमर कर देगी और उसकी थियरी आने वाले अनेक सालों तक मानव सभ्यता का पथ प्रदर्शित करेगी। हालांकि डार्विन्स थियरी ऑफ इवोल्यूशन को लेकर हमारे देश भारत में भी एक विवाद हुआ था, जब कोरोना महामारी के दौरान बच्चों के सिलेबस को कम करने के लिए इस थियरी को 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड में से NCERT द्वारा हटा दिया गया था। तब भारत के अनेकों शिक्षकों और वैज्ञानिकों ने NCERT के सामने एतराज जताया था। आपको बता दूं कि डार्विन्स थियरी ऑफ इवोल्यूशन सालों से मानवीय विकास को समझने में हमारी सहायता करती आ रही है और आज के आधुनिक मानव को भी इसी दृष्टिकोण से देखा जाता है। डार्विन की इस थियरी पर भले ही कई विचार विमर्श किए जा सकते हैं या इस पर अपने मतभेद उजागर किए जा सकते हो, लेकिन इस थियरी को कदापि नकारा नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, इतना समझने के बाद आखिरकार अब हमें आप बताएं कि डार्विन्स थियरी ऑफ इवोल्यूशन पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं। और हमारी द ग्रेटेस्ट थियरीज की ये सीरीज आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इन सब थियरीज के बारे में और डिटेल में जानकारी के लिए, डिस्कशन के लिए हमारे द नॉलेज के ऐप को भी आप अपने मोबाइल में जरूर इंस्टॉल करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।